केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री और साथ ही उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी पीएम का आज रोड शो है। सह प्रभारी उत्तर प्रदेश के अनुराग ठाकुर इस वक्त हमारे साथ हैं। उनके साथ कार में हम यात्रा कर रहे हैं। कैंपेन में लगातार दो महीने से आपने देखा होगा पूरा का पूरा समय इन्होंने उत्तर प्रदेश को दिया है। सबसे पहला सवाल तो अनुराग भाई ये पूछूंगा, मेहनत सफल होती नजर आ रही है? जनता का जो प्यार मोदी जी के प्रति पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है और जो आशीर्वाद जनता योगी जी को दे रही है वो अपने आप में कहीं ना कहीं ये और मेरे विश्वास को और मजबूत करता है कि हम पहले की तरह ही उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन करने वाले हैं। क्योंकि गरीबों के लिए मोदी जी योगी जी ने अभूतपूर्व कार्य किया है। आपदा के समय भी उनके साथ में दुख सुख में खड़े हुए। आप पिछले 5 वर्ष का अमिताभ जी कालखंड उठाकर देखिए, इस 5 वर्षों में गरीब के लिए 43 लाख पक्के मकान बना कर दिए, 1.5 करोड़ बिजली के कनेक्शन हर घर को दे दिए, शौचालय 4 करोड़ बनाकर हर घर को दे दिए, और यही नहीं यहाँ पर 1.86 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मिला है, 15 करोड़ लोगों को महीने में 2 बार मुफ्त में राशन मिला है, 15 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत में मुफ्त में मिलता है, और गन्ना किसानों की पूरी पेमेंट जो सपा के समय की थी हमने वो भी दे दी है, और इसके अलावा हर वर्ग के लिए यहाँ पर काम करने का काम हुआ है, ना जाति देखा ना धर्म, उससे बढ़कर हमने काम किया है। और मैं कहता हूँ मोदी योगी जी ने जाति धर्म से बढ़कर दिया सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण, सबसे पहले 5 साल की एंटी इनकमेंसी नजर नहीं आ रही। देखिए, जब गरीब कल्याण के लिए कार्य किया हो, जनता को उत्तर प्रदेश को गुंडा अपराधी माफियाओं से मुक्ति दिलाई हो, भ्रष्टाचार के आपके ऊपर कोई आरोप ना हो, ईमानदार छवि हो और विकास चहुमुखी किया हो, तो मुझे लगता नहीं एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी है। सरकार के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में ये वोट होगा। क्यों होगा? देखिए, 57 साल पुरानी सरयू सिंचाई योजना 5 साल में पूरी करी, 57 साल से नहीं बनी थी। केन बेतवा लिंक 44,605 करोड़ का बुंदेलखंड की पानी की प्यास बुझाने के लिए और सिंचाई के लिए ये दे दिया, अटल जी के समय का था, मोदी जी ने दिया। यही नहीं, पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे देखिए, खाद का कारखाना गोरखपुर में देखिए, एम्स अस्पताल गोरखपुर में देखिए, जापानी बुखार और गैंग वॉर दोनों से मुक्ति करने का काम देखिए, ये लगातार अगर हुआ है, ये लगातार अगर हुआ है तो अपने आप में दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुआ है। यही नहीं, हम आगे भी करेंगे। अगर आप देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ साथ बनारस जहाँ पे हम चल रहे हैं, चौड़ी सड़कें कितनी हो गई हैं, साफ सुथरी काशी हो गई है, घाट चौड़े हो गए, सुंदर हो गए हैं, गलियों को और चौड़ा किया गया, फ्लाईओवर बनाया गया, रेलवे स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बने, हवाई अड्डे पर 8 फ्लाइट से 48 फ्लाइट हो गई है। मैं तो कहूंगा काशी को जो सवारे मोदी जी सबके प्यारे। यही यही सर, अब काशी पर आ गए अनुराग भाई, तो इस सवाल ये उठता, आज प्रधानमंत्री का रोड शो है, 14 का रोड शो हमने देखा है, 17 का रोड शो देखा है, 19 का रोड शो देखा है, हर रोड शो चुनाव के पहले एक बड़ा गेम चेंजर साबित होता है, क्या इस बार भी हम उम्मीद करें कि वैसे ही अभूतपूर्व प्यार मिलेगा जनता का? देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री तो है ही, काशी के सांसद के रूप में भी जिन्होंने काम किया है प्रधानमंत्री रहते, वो अभूतपूर्व है, सराहनीय है। और मैं तो कहना चाहता हूं मोदी जी से बहुत कुछ सीखना बाकियों को मिलता है। और यहां की जनता, आप किसी दुकान पे चले जाइए, आप कुछ कहेंगे उससे पहले वो कहेंगे कि मोदी जी ही चाहिए, इनके अलावा हमारा है कौन है। मोदी जी ने सुधारा है, वही आगे सुधारेंगे। और मैं तो बनारस की अड्डी पे गया, हसी घाट के पास, तो मैंने स्थानीय भाषा में पूछने का प्रयास किया। मैं कह भाई, हम लोग हालचाल पूछते हैं तो हम पहाड़ी में तो कहते हैं पाऊ क्या आला, तो आप क्या पूछते हो? उन्होंने कहा, कहा राजा का हालबा, कहा राजा का हालबा। तो मैं भी सुन के आगे, तो हम लोग प्रचार के लिए निकले, तो 5-7 दुकानों के करते करते मैं भी एक जगह कचौरी खाने के लिए, तो मैंने पूछा, कहा राजा का हालबा, कहा यहाँ तो मोदी का कमाल बा। तो जहाँ यहाँ तो मोदी का ही कमाल बा, यहाँ तो मोदी का ही कमाल बा, ये बार बार आपको सुनने को मिलेगा जब जब आप पूछोगे कि राजा का हलवा। अरे भाई, आज का रोड शो है तो हम माने कि हर बार जो पिछली बार विपक्षी दल लगाते थे कि बाहर से क्राउड ला रहे हैं,
लेकिन बनारस की जनता स्वतः सड़क पर होती है। इस बार भी जनता सड़क पर नजर आ रही है। 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो थी राज्य सरकार की, वो कहीं नजर नहीं आएगी इस बार। देखिए, जिनको आरोप लगाने हैं, केजरीवाल जी आए, चुनाव लड़े, जमानत जब्त करा के चले गए। ममता जी नंदीग्राम से चुनाव हारी, नंदीग्राम के लोग भी उनसे अप्रसन्न थे, यहाँ के नंदी भी उनसे अप्रसन्न ही रहेंगे, क्योंकि अखिलेश जी शायद समझते नहीं कि ममता जी ने उत्तर प्रदेश के लोगों को गुंडा कहा है और उत्तर प्रदेश के लोग अपने स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाने देंगे, उसके अपमान का बदला लेंगे। राहुल जी ने उत्तर प्रदेश के लोगों की बुद्धि पर सवाल खड़ा किया है वायनाड में बयान देकर। प्रियंका जी ने पंजाब के CM ने जब यूपी बिहार के लोगों का अपमान किया तब ताली बजाई, खिलखिलाकर हंसी, अपमानित करने का काम किया। उत्तर प्रदेश के लोग बहुत समझदार हैं साहब, इन्होंने तो कांग्रेस की सफाई सबसे पहले तब देश में शुरू की जब बाकी देश सोचता भी नहीं था, और उसके बाद कांग्रेस कभी आई नहीं। सपा बसपा कांग्रेस आई की पूरी सफाई, क्योंकि यहाँ पर योगी जी ने माफिया और मच्छरों की सफाई करने का काम भी किया है, उनसे मुक्ति दिलाने का भी काम किया है। मुजफ्फरनगर से मऊ तक के दंगों की मार जो लोग झेलते थे उनसे मुक्ति दिलाने का काम किया है। अब रंगेश और दंगेश, इनसे भी मुक्ति जनता चाहती है, क्योंकि रंगेश जहरीली शराब बेचता है तो दंगेश उनको खुला समर्थन देता है। आतंकी बम धमाके करता है तो अखिलेश यादव उनके पिता को बुलाकर बिरयानी खिलाता है। ये देखिए जी, ये सबके सामने है, कहाँ से लोग इनको स्वीकार करेंगे? महाराज, आप लोग सब यहाँ बैठ के रोड शो में सब साथ होंगे आप लोग सारे? निश्चित तौर पर। आप देखिए, अगर बाहर से लोग लाने का आरोप ये लगाते हैं तो मैं सीधा कहता हूँ अमिताभ जी, 2014 में क्या बाहर से लाए, तो फिर 80 में से 73 सीटें कैसे मिली? 2017 में अगर ये कहते बाहर से लाए तो हम 403 में से 325 सीटें कैसे जीते? अगर लोकसभा में फिर 2019 में अगर ये कहते बाहर से लाए तो हम 68 सीटें कैसे जीत पाए भाई? ये तो केवल चुनाव के टाइम पे आरोप लगाते हैं, ये लोग फेंकते हैं और फिर भाग जाते हैं, इनका काम यही है। ये आपदा के समय भी जनता के साथ खड़े नहीं हुए। उन्होंने कहा ये भाजपा की वैक्सीन है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने 28 करोड़ वैक्सीन लगाई है। योगी जी ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर उत्तर प्रदेश के लोगों की जान बचाई है। मोदी जी ने मुफ्त वैक्सीन और मुफ्त राशन देने का काम किया है। ये मोदी जी योगी जी की जोड़ी जो है ये ईमानदार छवि की, सुशासन देने वाले, विकास करने वाले हैं। इनके कारण उत्तर प्रदेश आज देश की दूसरी नंबर की अर्थव्यवस्था बना है, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। अगले 5 वर्षों में यूपी को नंबर 1 बनाएंगे, और आज बनारस का रोड शो दिखाएगा कि बनारस के लोगों ने मन बना लिया है कि जो काशी को सवारे वो मोदी जी सबके प्यारे। भाई, एक आखिरी सवाल, हम लोग उस चौराहे पे खड़े हैं अभी जहां पर रोड शो शुरू होना है, क्या संदेश है सरदार पटेल का? हमेशा प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आशीर्वाद लेके निकलते हैं, सरदार पटेल का प्रधानमंत्री का आइडल। देखिए, कांग्रेस और बाकी राजनीतिक दल तो सरदार पटेल जी को भूल गए, उनके योगदान को भूल गए, अपने अपने परिवारों तक सीमित हो गए, चाहे कांग्रेस थी चाहे समाजवादी पार्टी थी। लेकिन सच्चाई ये है कि आज देश को 553 ऐसे राजघरानों को जोड़कर, छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स को जोड़कर एक भारत करने का और श्रेष्ठ भारत करने का काम किया तो सरदार पटेल जी ने किया था। और सरदार पटेल जी के चौराहे से लेकर मालवीय जी के वहां तक जाने का ये जो संकल्प हमारा है, महामना स्वर्गीय पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये जो एक सपना था, एक सोच थी शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का, किस जमाने में देखा था? देखिए, ये कांग्रेस के दोनों पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ही इनको भूल गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने देश के बड़े नेताओं का मान सम्मान भी किया और इनके शुरू किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम भी किया है। अनुराग जी, आपके इंचार्ज रहते उत्तर प्रदेश में परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रही है, और उम्मीद करते आने वाले रिजल्ट्स भी आपके मन मुताबिक ही होंगे। शुभकामनाएं, न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। अमिताभ जी, देखिए, जब टीम के कैप्टन अच्छे होते हैं तो कोई भी खिलाड़ी चल जाता है, और मोदी जी के नेतृत्व में तो हमने देश भर में एक के बाद दूसरा चुनाव जीतने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने अभूतपूर्व प्यार मोदी जी को बार बार दिया है, और मोदी जी ने दिल खोलकर यूपी के लोगों के साथ खड़े हुए। अभी भी देखिए, यूक्रेन में जहां
हजारों बच्चे फंसे थे, माँ गंगा का आशीर्वाद लेके जो लोकसभा गए, माँ गंगा का आशीर्वाद लेके जो देश के प्रधानमंत्री बने, माँ गंगा का आशीर्वाद लेके जिन्होंने 80 घाट से लेके बाकी घाटों का सौंदर्यकरण किया, माँ गंगा का आशीर्वाद लेके जिन्होंने काशी विश्वनाथ धाम बनाया, माँ गंगा का आशीर्वाद लेके जिन्होंने काशी और पूर्वांचल का विकास किया, उन्होंने ऑपरेशन गंगा के माध्यम से हजारों भारतीय छात्रों को युद्ध के समय भी यूक्रेन से निकालकर भारत लाने का काम किया है। ये माँ गंगा का ही आशीर्वाद है, भोलेनाथ का ही आशीर्वाद है कि मोदी जी योगी जी के ऊपर कृपा बनी हुई है। और दूसरी ओर वो भी हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि जिन्होंने राम भक्तों को भुना, जनता कर देगी उनका ईवीएम सुना। न्यूज 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, बहुत बहुत आभार। अमिताभ सेना, न्यूज 18 इंडिया, वाराणसी।